जिसका डर सता रहा था आखिरकार वही हुआ। रूस पर किसी की धमकी का कोई असर नहीं हुआ और उसने यूक्रेन पर हमला बोल दिया। यही नहीं, यूक्रेन ने 4 शहर में ताबड़तोड़ मिसाइल बम बरसाकर तबाही मचा दी है। इन सब में वहां रह रहे विदेशी विद्यार्थी बेहद भयभीत, असमंजस और संशय में है कि ना जाने अब क्या होगा। चारों तरफ बमबारी और मिसाइल से हमले हो रहे हैं। यूक्रेन में पढ़ाई कर रही देवास की शिवानी प्रजापत ने देवास विधायक गायत्री राजे पवार से वीडियो कॉल पर वहां के हाल पर बात की और वापस आने की इच्छा व्यक्त की। रूस का हमला झेल रहे यूक्रेन में देवास बालगढ़ निवासी शिवानी प्रजापत, जो यूक्रेन में मेडिकल की पढ़ाई कर रही है, यूक्रेन में शिवानी से देवास विधायक गायत्री राजे पवार, पार्षद अर्जुन चौधरी और उनके माता पिता ने वीडियो कॉल पर चर्चा की। बातचीत में शिवानी का दर्द साफ झलक रहा था तो माता पिता भी बेटी से बात कर काफी चिंतित लग रहे थे। सभी की चिंता थी कि जैसे भी हो बच्चे वापस आ जाएं बस, क्योंकि युद्ध तो युद्ध होता है, कोई भरोसा नहीं कौन सी मिसाइल कौन सा बम कहाँ गिरेगा। इसको लेकर सभी के माथे पर चिंता की लकीरें साफ दिखाई दे रही थी। देवास विधायक गायत्री राजे पवार ने शिवानी को हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया तो वहीं शिवानी के माता पिता से कहा कि शिवानी ने बताया है कि वह कॉलेज के बंकर में सुरक्षित है, अभी तक कोई खतरा नहीं दिखा है, मगर टीवी पर दिख रहे युद्ध के दृश्य से परिवार घबराहट में है। वह चाहते हैं कि भारत सरकार यूक्रेन में फंसी उनकी बेटी को सुरक्षित देश ले आए। श्री कृष्ण बेटा कैसे हो आप? मैं ना यूक्रेन में हूँ, इस चौबे सिटी का नाम टर्नोपिल है। नहीं, हम लोगों को बस थोड़ी बहुत दिक्कत हो रही है, इमरजेंसी अलर्ट कर दिया हुआ है, कहीं भी जाने आने में अलाउ नहीं कर रहे हैं और जितने भी एयरपोर्ट से स्पेशली इंटरनेशनल एयरपोर्ट सारी तरह से बंद कर दिए हुए हैं। कोई भी ऐसा कुछ भी चालू नहीं है जिस तरह से हम इंडिया आ सके, सब इस बॉर्डर्स पे सील हो चुकी है। आपके वहाँ पे इंडियन एम्बेसी होगी ना? हाँ, पर जो हमारी इंडियन एम्बेसी थी वो कैपिटल सिटी कीव में एस्टेब्लिश थी, पर उसको भी 3-4 दिन पहले ही लवीव में शिफ्ट कर दिया है। वहाँ पे सबसे पहले अटैक कीव पे हुआ था, वहाँ पे एटलीस्ट कल जो अटैक हुआ वहाँ पर ओके करो फिलहाल चलो करो। मेरे कॉलेज में समथिंग 2000 के करीब स्टूडेंट्स हैं इंडिया। अभी तक कोई वो नहीं है, हमको कल से बोला गया है कि तुम लोगों को बॉर्डर्स पे लेके जाएंगे, पर अभी तक हम लोग सिर्फ हॉस्टल में ही, अभी तक कहीं भी नहीं गए हैं, कैसा कुछ भी नहीं हुआ है कि हम लोग बैग पैक करके रखे हुए हैं। ये सारे मेरे फ्रेंड्स वगैरह भी हैं, ये लोग भी हैं और ये सब अपने लगेज वगैरह बैग पैक करके कल रात से यहीं बैठे हुए हैं, कोई भी कहीं नहीं गया हॉस्टल में ये सब। एक तो बेटा आप सब लोग साथ रहे ना, अकेले कहीं? हाँ, सब साथ ही हैं, अकेले। दूसरा, तेरे घर से मैं मुख्यमंत्री जी से बात करूंगी अभी तुरंत से कि मेरे देवास है वहाँ पे, आपकी पूरी जानकारी मैं वहाँ पहुँचाती हूँ और जो कोशिश जो भी मदद मेरे एंड से हो सकेगी पूरी तरह से मैं करूँगी। हमको ना बस जल्दी से जल्दी इंडिया आना है और अब तो इतना ज्यादा यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि जो स्टूडेंट्स कीव में है, खारकीव में है, वो तो सिर्फ बेसमेंट में सफर कर रहे हैं और 2-3 दिन से उनको तो ऐसा लग रहा है कि जैसे जैसे तैसे निकल जाए यहाँ से, बहुत पैनिक हो रहा है। आप लोग को इतना बता दूं कि माननीय मोदी जी जो अपने प्रधानमंत्री हैं, हाँ, बस बच्चों को, अपने जो हिंदुस्तानी बच्चे हैं उनको सबको इकट्ठा करके वहाँ से रेस्क्यू करके और सीधे लाने की पूरी कोशिश में है। उसमें मैं, मेरी तरफ से पूरी कोशिश रहेगी कि मेरे देवास से जो भी बच्चियां हैं आप लोग हैं उन लोगों को उस लिस्ट में ऐड हो जाए, आप लोग छूटे नहीं वहाँ पे, इसके लिए मैं पूरी कोशिश। देवास से मैं अकेली हूँ, कोई भी नहीं, बाकी